लखनऊ चले चलेंगे जहां जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो महेंद्र सिंह जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं। जल संरक्षण को लेकर, जल संचय को लेकर तमाम सारी योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई गई हैं और उस क्षेत्र में कैसे और बेहतर उसे किया जाए इसको लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और जो मंत्रालय मिला है महेंद्र सिंह को, जल शक्ति मंत्रालय, उसके लिए लगातार वो काम कर रहे हैं और बेहतर कोशिश कर रहे हैं ताकि जो जितनी भी जल से जुड़ी योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से पूरी हो पाए। उनकी अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है। इसके बावजूद थर्ड पार्टी सिस्टम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है जिसके माध्यम से सप्लाई से पहले भी हम जांच करते हैं, सप्लाई के बाद भी हम जांच करते हैं। अगर किसी में कोई कमी निकलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश पहले से जारी किया जा चुका है और इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कोई टेंडर आज तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया। नंबर वन, तो ये जो उन्होंने ट्वीट किया है इसके बारे में पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने शुरू में लिखा है, 1,20,000 करोड़ के जल जीवन मिशन का घोटाला हो गया, काम है जिसमें घोटाला हो गया। मैं पता नहीं हमारे बुद्धिजीवी सांसद को कहां से यह सपना आया है, 1,20,000 करोड़ उन्होंने कहां से निकाला है। फिलहाल हम लोगों की जानकारी में ऐसी कोई फिगर नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 15,000 करोड़ रुपए का जो हमारा DPR बना, टेंडर हुआ, प्रोसेस किया गया, वहाँ पर काम प्रारंभ हुआ और बाकी UP में हम लोग पैनल बना करके काम, अभी उसका DPR वगैरह तैयार हो रहा है। लेकिन इन्होंने 1,20,000 करोड़ की फिगर लिखी है जो 100% झूठ है, मिथ्या है, जिसका कोई आधार नहीं है। पहला ट्वीट इनका यह कहता है। दूसरा, मैं किसी कंपनी के पक्ष में यहां पर बोलने के लिए नहीं बैठा हूं। उसके बावजूद भी उन्होंने चूंकि कहा है कि 8 राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है कंपनी जिसने सप्लाई किया है, उन्होंने 8 राज्यों के एक एक करके कागज, उन्होंने ब्लैकलिस्टेड कागज या फर्जी कागज उन्होंने दिखाए हैं। अब मैं आपको एक एक राज्य के उन कागजों को इस कंपनी के बारे में, ये कहते हुए कि कंपनी के लिए मैं यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आया हूं, कंपनी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हमने किसी कंपनी को कोई ठेका नहीं दिया है पाइप सप्लाई का, लेकिन उन्होंने चूंकि 8 राज्यों का जिक्र किया है इसलिए सबसे पहला मैं जम्मू कश्मीर राज्य का कागज आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात कही है और जम्मू कश्मीर का एक कागज उन्होंने दिखाया है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस जम्मू कश्मीर का उनके द्वारा प्रस्तुत हुए कागज को आप लोग जरूर देख लीजिए। इसमें जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि कुछ पाइपें जो सप्लाई की गई हैं, कुछ पाइपें चेंज कर देनी चाहिए, कुछ पाइपें खराब हैं, कभी ब्लैक लिस्टेड शब्द इसमें कहीं यूज नहीं किया गया है। नंबर वन, आप इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, ये कागज सबके लिए उपलब्ध है। उन्होंने पाइप चेंज करने की बात कही, ब्लैक लिस्टेड की बात कहीं पर नहीं कही। नंबर वन। नंबर टू, हिमाचल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। हिमाचल की तरफ से जो उनके द्वारा कागज प्रस्तुत किया गया है उस कागज को भी आप अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और हिमाचल सरकार ने कहा है कि इनका काम संतोषजनक है, जो हिमाचल सरकार की तरफ से कहते हैं कि ब्लैक लिस्टेड की बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है, 18/6/2021 का पत्र है, उसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि इनका काम संतोषजनक है। तीसरा प्रदेश आपको मैं पंजाब लेकर के चलता हूं, जो पंजाब के बारे में उन्होंने किया है और उस पंजाब के बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं उसके लिए कहीं पर भी उनके टेंडर के निरस्त और उसके संबंध में नहीं किया गया। दो कागज इश्यू किया गया, 1/8/12/2020 को और 1/8/12/2020 27/2/2021, जिसमें दोनों कागज आपके समक्ष यहाँ पर हैं,
जिसमें उन्होंने काम करने की अनुमति दिया है, कहीं पर प्रतिबंधित नहीं किया है। तीसरा, चौथा राज्य झारखंड है। झारखंड में भी उन्होंने एक कागज दिया 11/4/2019 और एक कागज दिया 15/12/2020। ये दोनों कागज हैं, दोनों वहाँ की सरकार के कागज हैं। एक कागज में थोड़े दिन के लिए उनको काम करने से रोका गया और दूसरे कागज में फिर से उनको अप्रूवल दिया गया कि आप झारखंड में पाइप सप्लाई कर सकते हैं। और दोनों की डेट का अंतर है 11/4/2019 और दूसरा कागज है 10/12/2020। ये दोनों कागज आप लोगों के समक्ष हैं, दोनों झारखंड सरकार के कागज हैं। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल का एक कागज उन्होंने प्रस्तुत किया। ये दो कागज पश्चिम बंगाल के तीन हैं, लास्ट वाला। इसमें एक में उन्होंने कहा, लिख करके दिया 11/1/2013 को। 11/1/2013, आज से कई साल पहले की बात है। और तुरंत बाद बंगाल सरकार ने दूसरा कागज जारी करते हैं 11/1/2013 को और 27/5/2013 को, यानी 11/1/2013 और 27/5/2013, जिसमें वो कहते हैं कि पहला कागज भूल बस जारी हो गया। ये दोनों कागज आपके समक्ष हैं, जो भी मित्र चाहते हैं इसको जरूर ले सकते हैं। पहले में उन्होंने कहा जारी किया और दूसरे में कहा कि भूल बस जारी हो गया। उसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश की सरकार ने दो कागज दिया है, एक है 27/5/2019 और दूसरा कागज है 31/5/2021, जिसमें उन्होंने फिर से उनको सप्लाई के लिए अनुमति प्रदान किया है। ये दोनों कागज आपके समक्ष हैं। इसके बाद मैं आपको फिर लेके चलता हूँ उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में भी दो कागज है, एक है 23/10/2019 और दूसरा है 24/6/2021, जिसमें एक बार उनके बारे में एक कागज इशू किया जाता है, दूसरी बार दूसरा कागज इशू किया जाता है और जिसमें उनको अनुमति प्रदान की जाती है। ये जो विभिन्न सरकारें हैं, अलग अलग डेट में अलग अलग कागज जारी किए हैं। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने सेना के बारे में एक बात कही थी। सेना ने जो पत्र कल उन्होंने दिखाया था, इसमें सेना ने लिखा है कि इस ऐसी कोई कंपनी हमारे यहाँ सूचीबद्ध नहीं है, वो ब्लैकलिस्टेड है, उसका काम खराब है, बाकी कुछ ऐसी बात नहीं लिख रहे। ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कोई कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, जो उन्होंने सेना को विशेष रूप से कोट कर रहे थे। अब मैं इस बात को केवल इसलिए कहा कि उन्होंने 8 राज्यों की बात की, जिक्र किया, इसलिए सारी चीजों के बारे में मैं आपको इसको बताना चाहता था। तो इस कंपनी के आधार पर उन्होंने जो सप्लाई और इसके आधार पर बातचीत कही है, और उन्होंने एक बात और कहा था कि उड़ीसा के जो वहाँ के एक लिमिटेड है SWSM के, जो संज्ञान में लाया गया था कि उसके माध्यम से उसके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे, उसमें भी 15/2/2021 द्वारा जो अनुबद्ध प्रावधानित था उसमें भी सामग्री जो क्रय की जानी थी उसमें सूचीबद्ध। जल शक्ति मंत्री जो उनके ऊपर आरोप लगे थे उसको लेकर वो सफाई पेश कर रहे थे। इसी बीच एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है। 2 दलितों की हत्या से इलाके में तनाव का माहौल है। पट्टी कोतवाली के सपहा छाप गांव में 2 युवकों की हत्या का मामला सामने आया। हत्या कर शवों को खेत में फेंके गए हैं आरोपी। दोनों युवकों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। SSP पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हत्या के बाद गांव वालों में आक्रोश का माहौल है। प्रतापगढ़ का ये पूरा घटनाक्रम है। पुरानी रंजिश बताया जा रहा है हत्या का कारण। प्रतापगढ़ से खबर, 2 दलितों की हत्या से इलाके में तनाव व्याप्त है। पट्टी कोतवाली के सपहा छाप गांव में ये हत्या हुई है और हत्या कर शवों को खेत में फेंका गया है। दोनों युवकों के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। जो शव बरामद हुए हैं
एसएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जो शव मिले हैं उनमें चोट के निशान भी पाए गए हैं और हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। पुरानी रंजिश बताया जा रहा है हत्या का कारण। दो दलितों की हत्या से इलाके में तनाव का माहौल व्याप्त है। पट्टी कोतवाली के सपहा छाप गांव में ये घटना हुई है और हत्या कर शवों को खेत में फेंका गया है। प्रतापगढ़ का ये मामला है। एसएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से महफूज हसन जुड़ गए हैं। महफूज, दो युवकों की हत्या का मामला सामने आया है, क्या कुछ पता चल पाया अब तक? किस पे हत्या का शक जाहिर किया गया है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश का मामला है। महफूज से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे महफूज से जुड़ने की। आपको प्रतापगढ़ का मामला बता रहे हैं जहां पर दो दलित युवकों की हत्या का मामला सामने आया है और हत्या करके शवों को खेत में फेंका गया है। शवों में जो चोट के निशान भी पाए गए हैं। एक बार फिर से महफूज हमारे साथ जुड़ गए हैं। महफूज, जो हत्या हुई है दो दलित युवकों की, परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश का मामला है, क्या कुछ जानकारी, क्या पुलिस कोई साक्ष्य जुटा पाई है? जी, आपको बता दें प्रतापगढ़ पुलिस मौके पर मौजूद है और उनका कहना है, जो परिजनों ने जो तहरीर दी है उसमें जो उन्होंने पुरानी रंजिश की बात कही है उस पर भी पुलिस जांच कर रही है और भी बहुत सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। जो दुश्मनी है, जो दोनों लड़के थे एक दूसरे के दोस्त थे, दोनों सुबह शौच के लिए गए थे और दोपहर में उनकी लाश वहां पर मिलती है, ऐसे में पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पे मौजूद है। वहीं चार टीमों को लगाया गया है, साक्ष्य संकलन की व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी वहां पर साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मौतों का कारण क्या है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस कप्तान का कहना है कि जल्द ही इस पे जांच करके इसका अनावरण किया जाएगा। जी महफूज, जैसा परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश का मामला है, तो कहीं ना कहीं वो शक जाहिर कर रहे हैं। जिन पर शक जाहिर कर रहे हैं, क्या पुलिस उन तक पहुंची है पूछताछ के लिए? जी, जिनके ऊपर परिजनों का शक है उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वहीं पर अगर देखा जाए तो पुलिस कई और बिंदुओं पर जांच कर रही है। दो दोस्त थे, दोनों में इतनी अच्छी जमती थी कि सुबह शौच के लिए भी दोनों साथ में ही निकले थे, ऐसे में दोनों की लाश पाई जाती है, तो पुलिस कई बिंदु पे जांच कर रही है। बिल्कुल, कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। जिन पर शक जाहिर किया गया उनको हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही, तमाम और भी बिंदु है। शुक्रिया महफूज जानकारी के लिए। तो प्रतापगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर दो दलित युवकों की हत्या का मामला सामने आया है और दोनों के शवों को खेत में फेंक कर आरोपी फरार हो गए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई, जिससे देश में 80 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको राशन सबको पोषण देने का विजन साकार हो रहा है। संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कोई भी भूखा न सोए को प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा भी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को